बैठोगे? जी तुम कहो तो मैं शानी से बात करूं। भाई किस बारे में? शांजे के बारे में, शांजे से शादी के बारे में। खबर, आपका बात करना मुनासिब नहीं लगेगा। क्यों? मेरा बात करना उसको क्यों बुरा लगेगा? क्योंकि हम भी बात करते हैं उससे तो वो बुरा मना जाता है। तो बेवकूफी कर रहे हैं ना, अपने पाँव पे खुद ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं। हम जानते हैं, लेकिन हम में से भी कोई नहीं चाहता कि वो सजीला से शादी करे, लेकिन मोहब्बत करता है ना मेरा भाई उससे। मोहब्बत से पेट नहीं भरता, 4 दिन बाद जो है ना ये मोहब्बत का भूत उतर जाएगा। फिर हाँ, जैसे आपका उतर गया है शायद। बस हर वक्त मेरी बात पकड़ लिया करो। भाई जो समझा रहा हूं उस पे कान धरो, मेरा इसमें कोई फायदा नहीं है, तुम लोगों के भले की बात कर रहा हूं। अब मैं जबरदस्ती तो नहीं कर सकती। अच्छा मुझे एक बात का जवाब दो, ये जो शानी को जॉब मिली है ये उसकी काबिलियत की वजह से मिली है या शांजे की वजह से मिली है? ये क्या बात कर रहे हैं आप? जाहिर सी बात है, मेरा मेरा भाई काबिल है। अच्छा तो फिर उसे कहो ना ये जॉब छोड़ दे, कोई और जॉब कर ले। वो जानता है ना कि शांजे उसके बारे में कितना संजीदा है, तो निकल क्यों नहीं आता उसकी जिंदगी से? क्या कह सकती हूँ मैं? मैं बताता हूं तुम्हें असल वजह, कभी भी वो ये जॉब नहीं छोड़ेगा, क्योंकि जो अय्याशियां इस जॉब में लगी हुई है ना वो कहीं और लग ही नहीं सकती। बुरा मत मनाना, तुम लोगों के हालात से अच्छी तरह वाकिफ। ये जो दिनों में दिन फिर रहे हैं ना तुम्हारे, ये काबिलियत की वजह से नहीं फिरते। हमने आज तक शांजे से कुछ नहीं मांगा खावर। अरे भाई जब बगैर मांगे सारी ख्वाहिशात पूरी हो रही हो तो मांगने की जरूरत क्या है? नहीं खैर छोड़ो, तुम मैं खुद ही बात कर लूंगा, समझाऊंगा उसको। नहीं खावर, प्लीज, आपका बात करना मुनासिब नहीं लगेगा, क्योंकि आपका और उसका एहतराम का रिश्ता है ना, समझा करें। और वैसे भी अगर आप बात करेंगे तो वो यही समझेगा कि मैंने आपसे कहा है बात करने के लिए। समझता है तो समझता रहे। भाई मेरी आंखों के सामने कुएं में छलांग लगा रहा है, रोकूंगा नहीं मैं।